कल रात को क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने 5 अतराफ से हमला किया और अब हम खुसी तौर पर यहाँ जमा हैं ताकि हम उन शहदा को जो इस वाक़े में शहीद हुए उनके लिए दुआ कर सकें और वो जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। तो हम दुआ करें। ऐ ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक खुदा, तू ही तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक है। हम जानते हैं कि ज़िंदगी तेरे ही हाथ में है, लेकिन इंसान जब अपने हर बे इस्तेमाल करता और वो दूसरों की जिंदगियों को अपने हाथ में लेता है, या खुदावंद हम इसलिए तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद कर। क्वेटा में पुलिस स्टेशन पर हमला होने की वजह से वो लोग जो शहीद हुए हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह पाकर और वो जो शदीद ज़ख्मी हुए, ऐ खुदावंद उनको जल्द सेहतियाबी अता कर ताकि सेहतमंद होकर अपने खानदानों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं और तेरा शुक्र अदा कर सकें। हम सब कुछ बरकत दे ताकि हम सारे मिलकर अपने मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद कर सकें। हम खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं अपनी पाक फौज के लिए, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी और पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी, पुरअमन शहरियों के लिए भी, या खुदा ताकि हम मिलकर इन इन अजाइम का मुकाबला कर सकें मसीह खुदावन के वसीले से। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ मुकद्दसा मरियम, तूने भी यीशु मसीह के दुख देखे और यीशु मसीह के दुखों में शरीक होकर यीशु मसीह के को हौसला देती रही, और ऐ माँ तुझे यीशु मसीह का जलाली जुटना भी नसीब हुआ। हम खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं ऐ माँ इन तमाम दुखी परेशान लोगों के लिए खुदा से खास दुआ कर। सलाम का मरियम तेरे साथ है और तुम इस मुबारक है, मुबारक है तेरी बेटी का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के पास से दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदूस का हो, जैसे कि पिता में था तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से। आमीन।